देवी शक्ति है, जो कला है ये तो विद्या है, ये तो आज भी अभी आज तक में ही आप सब लोगों ने देखा होगा, माइंड रीडर व्यक्ति ने सारी चीज़ें कह दिया, श्वेता सिंह के मन में कह दिया कि तुम्हारे मन में क्या है, तुमने मन में सोचा था कि मैं इनसे प्रश्न करूँ क्या करूँ, मैं इनसे क्या प्रश्न करूँ, यही लिख करके दिया था ना, आप लोगों ने भी देखा होगा। ये तो एक मस्तिष्क तंतुओं को तीव्र करके मस्तिष्क की जो पद्धति है चिंतन करने की, उसको विकसित करने की और एकाग्रता के माध्यम से उसमें साधना जब जुड़ जाती है तो चार चांद लग जाता है। बस समस्या ये है, कोई दैवी शक्ति है? दैवी शक्तियाँ तो होती हैं, मैंने तो दैवी शक्तियों की मीटिंग होते हुए देखा है। मैंने तो फरीदाबाद में सिद्धदाता आश्रम है, वहाँ सुदर्शनाचार्य जी थे, रात को 11 बजे से 2 बजे तक मैंने शक्तियों की मीटिंगें देखी हैं, और ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर काली का आवाहन कर दिया, परमा नाम की एक पंजाबिन थी, काली का भद्र मरघटी काली का आवाहन कर दिया उन्होंने, और उसी समय हा करने लगी, उसकी जीभ यहाँ तक आ गई। ये तो मैंने खुद अपनी आंख से देखा है। आप समर्थन में, आप लोग सम्मेलन में जो हुआ है, समर्थन की बात नहीं, प्रश्न यहाँ यह है कि जो ईसाई मिशनरियाँ लोगों को प्रलोभन दे करके ईसाई बना रही हैं, वंचित और दलित लोगों को ईसाई बना रही हैं, ऐसे लोगों का चक्का जाम कर दिया है बागेश्वर धाम के बाबा ने, और उनके चमत्कार से वो जनता प्रभावित होकर के घर वापसी करने लग गई है, और सुल्ताना जो हैं वो सूफी बन गई हैं, इसलिए लोगों को समस्या उत्पन्न हो रही है। समस्या बागेश्वर धाम के चमत्कार होता है या नहीं होता यह प्रश्न नहीं है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। इसलिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, भारतवर्ष को मुसलमानों की संख्या से भरपूर करना, ज्यादा वोट बैंक बनाना, स्वयं 5 बीबियां 25 बच्चे पैदा करना, ऊपर से रेडीमेड मोहम्मदनों को बुला लेना पूर्वी बंगाल से, चाहे रोहिंग्या से, चाहे उइगर के, वो रेडीमेड भी मोहम्मदन आ जाते हैं देश में, और हमारे सफेदपोश नेता लोग जो हैं उनका वोटर कार्ड बनाना आरंभ कर देते हैं। इसलिए भगवान राम ने सोचा था कि रावण का वध तो मैं बाद में करूंगा, पहले बाली का वध किया जाए, क्योंकि बाली ने रावण से दोस्ती कर रखी है, इसलिए रावण आतंकवादियों की खेप भारत में घुसेड़ रहा है, नहीं बिना बाली की इच्छा के मजाल था रावण का कि हाँ भारतवर्ष में कोई आतंकवादी आ जाता। ठीक है।